हेलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन के बारे में जो कि कार्ल ओज ने इंट्रोड्यूस किए थे इन 1990 में ठीक है तो इन थ्री डोमेन सिस्टम क्या है तो इन दिस इज इट इज़ अ सिस्टम फॉर क्लासिफाइंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन डिफरेंसेज इन सिक्सटीनस राइबोजमल आर एन तो दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अकॉर्डिंग टू देयर अकॉर्डिंग टू देयर सिक्सटीन एस आर आर उनको डिवाइड किया गया इन थ्री डोमेन्स ठीक है तो सिक्सटीन एस आर आर एन ए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के सिक्सटीन एस आर आर एन ए डिफरेंट होते हैं तो इसके ऊपर डिपेंड करके दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको थ्री डोमेन में डिवाइड किया गया ठीक है तो यही है मेन फंडा ऑफ थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम ठीक है तो एक क्वेश्चन है वो है सिक्सटीन एस आर आर एन ए को क्यों लिया गया फॉर दिस क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो इनको किसके लिए किस लिए लिया गया चुना गया तो वो है सिक्सटीनस आर आर एन ए जो है वो विद इन अ स्पीसी सेम होते हैं तो विद इन अ स्पीसीज जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं विद इन अ स्पीसीज उसमें सभी ऑर्गेनिजम्स में विद इन अ स्पीसीज सभी 16S, सभी का सिक्सटीनेस आर एन ए सेम होता है और सिक्वेंस जो है वो मोरलेस सेम होता है विद इन अ स्पीसीज ओके सो दैट्स वाई सिक्सटीन एस आर आर एन ए को चुना गया तो डिफरेंट स्पीसीज को सिक्सटीन एस आर आर एन ए डिफरेंट होते हैं विद इन स्पीसीज सिक्सटीन एस आर आर एन ए सेम होते हैं और कन्जर्व होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं तो इसके लिए सिक्सटीन एस आर आर एन ए को चूज किया गया फॉर क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंडिंग ऑन देयर डिफरेंसेस इन सिक्सटीन एस आर आर एन एके तो प्रीवियसली जो क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज होता था वो था टू किंगडम सिस्टम जो कि फास्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लीनियस उसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया था उसके बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया था तो ऐसे जो पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते थे वो क्लासिफाई करते थे ऑर्गेनिजम्स को बेस्ड ऑन देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बट इन दिस थ्री डोमेन सिस्टम इस थ्री डोमेन सिस्टम में क्लासिफिकेशन किया गया जेनेटिक एनालिसिस के आधार पर विच इज़ मोर स्पेसिफिक एंड कन्वीनियंट क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ठीक है तो ये है एडवांटेज ऑफ थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम ठीक है तो इसके बाद हम जानेंगे वाई थ्री डोमेन सिस्टम इज रिक्वायर्ड इसका इम्पोर्टेंस क्या है क्यू थ्री डोमेन सिस्टम को लाया गया तो पहले जो फाइव किंगडम इसके पहले जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को यूज किया जाता था उसमें ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पाँच और फाइव किंगडम में डिवाइड किया गया जो कि जो किंगडम्स था वो था मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लान्टी एंड एनिमेलिया तो मोनेरा जो मोनेरा जो किंगडम था उसमें यूनिसेरुलर ऑल यूनिसेरोर प्रोकायोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते थे प्रोकायोटिक ऑर्गेनिजम्स और प्रोकायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते थे उनको इन मोनेरा में रखा गया प्रोटिस्टा में यूनिसेरुलर यूकैरियड्स को रखा गया एंड फंगी प्लैटी एंड एनिमेलिया में मल्टीसीुलर यूकैरियड्स को रखा गया था तो कार्ल ओज ने क्या बोला कार्ल ओज ने बोला इन मोनेरा में दो टाइप का प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक थे आर्की एंड दूसरे थे बैक्टीरिया ठीक है नॉर्मल बैक्टीरिया जो होते थे तो उन्होंने बोला जो आर्की जो कि मोनेरा में होते थे वो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत अलग होता था अलग होता है इन बैक्टीरिया से तो बैक्टीरिया से ए इसका कैरेक्टरिस्टिक अलग होने के लिए उन्होंने प्रपोज किया कि ये जो आर्की बैक्टीरिया जो है उनको एक अलग किंगडम में रखना चाहिए तो इसके लिए उन्होंने इसके बाद डिसाइड किया टू स्प्लिट किंगडम मोनेरा इन मोनेरा किंगडम को उन्होंने स्प्लिट करने के लिए सोचा था एंड बोला था कि इसको दोनों किंगडम में भाग किया जाए भाग किया, किया जाएगा इसको वन है यू बैक्टीरिया एंड सेकेंड है आर्की बैक्टीरिया तो इस मोनेरा किंगडम को उन्होंने और भी दो किंगडम में भाग किया किया था यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया नाम से तो इसके बाद कार्ल उसके हिसाब से ऑल टोटल सिक्स किंगडम हुए थे जो कि था यू बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया प्रोटिस्टा फंजाई प्लान्टी एनिमेलिया ठीक है तो ऑल टोटल सिक्स किंगडम था मोनेरा को दोनों भागों में भाग किया गया यू बैक्टीरिया एंड आर्की में एंड दूसरे अदर्स जो किंगडम था वो सेम था एज इट इज़ था ठीक है तो अकॉर्डिंग टू कर्लोस थ्री डोमेन सिस्टम इन थ्री डोमेन में उन्होंने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को थ्री डोमेन में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू सिक्सटीन एस आर एन एंड उन्होंने क्या किया इन मोनेरा जो किंगडम था उसको दोनों भागों में ई बैक्टेरिया एंड आर्की बैक्टेरिया में डिवाइड कर दिए थे अकॉर्डिंग टू द सिक्सटीनस आर एन ए तो अकॉर्डिंग टू कार्ल ओस थ्री डोमेन सिस्टम उसमें थ्री डोमेन था एंड उसके साथ साथ सिक्स किंगडम्स था तो क्या थे अभी हम देखेंगे तो थ्री डोमेन सिस्टम में थ्री डोमेन जो था वो था आर्किया डोमेन बैक्टीरिया डोमेन एंड यूकेरिया डोमेन ठीक है ये तीनों डोमेन कार्लोज ने प्रपोज किए थे एंड इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में डिफरेंट डिफरेंट किंगडम को उन्होंने रखा रखा था तो आर्किया डोमेन के अंदर आर्किया किंगडम को बैक्टीरिया डोमेन के अंदर यूबैक्टीरिया डोमे यूबैक्टेरिया किंगडम को एंड यूकेरिया डोमेन के अंदर बाकी जो चार किंगडम थे उनको रखा गया जो था प्रोटिस्टा फनजाई प्लान्टी एंड एनिमेलिया ठीक है तो अकॉर्डिंग टू कॉल ओस थ्री डोमेन्स आर आर्किया डोमेन बैक्टीरिया डोमेन यूकेरिया डोमेन एंड इसके अंदर इन डोमेन्स के अंदर आर्किया आर्की किंगडम यू बैक्टीरिया किंगडम एंड प्रोटिस्टा फनजाई प्लान्टी एंड एनिमेलिया थे ठीक है तो अभी हम जानेंगे ये जो थ्री डोमेन सिस्टम जिसके अंदर कार्ल कॉलोस ने आर्की बैक्टीरिया को और यू बैक्टीरिया को अलग किए थे तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है किस लिए उनको अलग किया गया तो आर्की बैक्टीरिया के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो था वो यूनिसेलर है यूनिसेलुलर है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से एंड मोर मोस्ट जो उनके फीचर्स है वो है एक्सट्रीम इन एग्जिस्ट इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में वो रह सकते थे क्योंकि इसके जो मतलब जो हाई टेम्परेचर एन्वॉलमेंट है एंड लो टेम्परेचर और कोल्ड टेम्परेचर एन्वॉलमेंट है उसमें भी ए, बैक, ए आर्की बैक्टीरिया रह सकते हैं क्योंकि उसके जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है उसके जो सेल वॉल है सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत अलग होते थे अलग होता है उसके लिए वो बहुत एक्सट्रीम एन्वॉलमेंट रेजिस्ट कर सकते हैं तो ए इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड दे डू नॉट नीड ऑक्सीजन और लाइट टू लिव उनको लाइट की और ऑक्सीजन की ज़रूरत भी नहीं होते थे तो इसका एग्जाम्पल्स क्या है मिथनोजेन एक्सट्रीम थार्मोफाइल्स एक्सट्रीम हेलोफाइल्स ये सभी आर्की बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड एग्जाम्पल्स से ठीक है तो बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये भी यूनिसेलुलर है प्रोक्रोटिक है एंड इसके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रोपिक ऑटोट्रॉपिक एंड केमोट्रोपिक सभी तरह की जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो दिखा जाता है उसके जो एग्जाम्पल्स है वो बैक्टीरिया एंड फैनोबैक्टीरिया है तो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके साथ आर्की बैक्टेरिया की जो मेन डिफरेंस है वो है इन बैक्टीरिया की ये बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम एन्वॉलमेंट्स में नहीं रह सकते हैं एक्सट्रीम इन्वॉलमेंट्स वो रेजिस्ट कर नहीं सकते एंड उसके साथ साथ मोस्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया नीड्स ऑक्सीजन एंड लाइट टू फॉर देअर लिविंग ठीक है तो यही है डिफरेंस इसके जो सेल मेम्रेन जो सेल वॉल होता है बैक्टीरिया की ये बहुत अलग होता है फ्रॉम दिस आर की बैक्टीरिया इसके लिए उनको दोनों अलग डोमेन में डिवाइड किया गया उसके जो सिक्सटीन एस आर आर ए भी है वो भी इस दोनों की बहुत अलग है इसके लिए उनको दो अलग डोमेन में डिवाइड किया गया ठीक है तो यही है थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम which is introduced by called VOS. Okay, thank you for watching this video.